नौकरी से सस्पेंड होने के बाद अब चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की मदद करने के आरोपी जेलर संतोष कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब्बास अंसारी को जेल में उसकी पत्नी निखत अंसारी से गैर कानूनी तरीके से मिलने के आरोपी जेलर संतोष कुमार ने अब्बास अंसारी से तोहफे में जो एसयूवी ली थी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने संतोष कुमार के घर से एक नई नवेली कैरेंस एसयूवी बरामद की है, जिसका जिक्र सोमवार को एसपी वृंदा शुक्ला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जेलर द्वारा हाल ही में एक किया कैरेंस गाड़ी खरीदी गई थी, जिसकी एक किश्त जो कि नकद में भुगतान किया गया है वो पैसा भी अब्बास अंसारी द्वारा दिया गया पाया गया है, तो इस गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है। जेलर संतोष कुमार पर न सिर्फ चित्रकूट जेल में निखत अंसारी अब्बास अंसारी के गैर कानूनी तरीके से मुलाकात कराने में मदद का आरोप है, बल्कि ऐसा करने के एवज में गिफ्ट के तौर पर अब्बास अंसारी से नकदी और लग्जरी एसयूवी गाड़ी लेने का भी आरोप है, जिसके बाद जेलर संतोष कुमार को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेल वार्डन जगमोहन, जेल में कैंटीन चलाने वाले ठेकेदार नवनीत सचान पे भी आरोप है, जिन्होंने अब्बास और निखत की जेल के भीतर होने वाली मुलाकात में मदद की और उसके एवज में रिश्वत ली थी।